वेलकम बैक टू द चैनल दिल्ली का विक्रम विच। एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आप देख लीजिएगा, आज मैं हूँ रेडिंग गियर्स में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एंटॉक से, पटियाला से देवीगढ़, और एंजॉय करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। थोड़ा सा एंटॉक को वार्म अप कर लें, सर्दियों का टाइम है। वैसे तो आज धूप जो है खुली हुई है और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, और दोपहर के बज रहे हैं 12:43। तो सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। और चल रहा हूँ जी, मैं आ गया हूँ एंटॉक पे, और अब जा रहा हूँ सीधा देवीगढ़। यहाँ से जो देवीगढ़ है वो है 27-28 किलोमीटर मेरे घर से, और जैसे जैसे आपको आगे होएगा दिखाता चला जाऊँगा। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल के ऑप्शन पे जाके टिंग कर लें। चलिए जी, आज आपको दिखाते हैं देवीगढ़। बहुत दिन हो गए थे मैंने मोटो व्लॉगिंग नहीं करी थी। आपने अभी तक सारी वीडियोज़ जो देखी थी वो मेरे ट्रैवल व्लॉग्स देखे थे, ट्रेन वाले। और देवीगढ़ थोड़ा सा मुझे काम भी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो बना दूं पटियाला से देवीगढ़ के लिए, ताकि लोगों को जो है पता लग जाएगा कि कितना किलोमीटर है, कहाँ है, क्या है। जो भी आगे होता रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। वैसे पेट्रोल जो है वो है नहीं, अभी आगे पेट्रोल पम्प आएगा, मैं डलवा लूँगा। सरहंद पटियाला राजपुरा बाईपास, जी हाँ, यहाँ इस तरफ आप जाएंगे तो आएगा आपका राजपुरा, और ये है पटियाला, और पीछे जो बैक साइड है वो है हमारा सरहंद। तो यहाँ से सरहंद जाती है, और चंडीगढ़ जो है यहाँ से 66 है, और राजपुरा जो है आगे जाके 24 किलोमीटर है। और इसी रोड के ऊपर अब आ गया है न्यू बस स्टैंड ISBT, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर के चैनल में देख लें। और वैसे मैंने इसकी लिंक जो है नीचे दे रखी है, जो लोग ISBT के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं न्यू ISBT के ऊपर। और ये है जी पटियाला का राजपुरा बाईपास, जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, और आगे जो आ रहा है वो आ रहा है बड़ी नदी। जैसा कि आप लोग सबको पता है, आज से 5-6 महीने पहले काफ़ी बाढ़ आ गई थी इस नदी के ऊपर। तो दिखाता हूँ आपको वो बड़ी नदी, पूरा का पूरा जो था यहाँ पर पटियाला वो डूब गया था इस तरफ। ये जी वो बड़ी नदी, ये जो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, कहो तो ये देखिएगा पानी जो है बिल्कुल नीचे चला गया है, ये रही जी बड़ी नदी। तो चलिए अभी ज़रा एंटॉक की पेट पूजा करा दें, पेट्रोल पंप आ गया है, पेट्रोल डलवा लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं पेट्रोल डलवा के। पेट्रोल डलवा लिया है, अब यहाँ से सीधा आपको ले चलते हैं न्यू ISBT, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया है। फिर आपको बताते हैं वहाँ से कहाँ से रास्ता जो है देवीगढ़ का जाता है, क्योंकि मोस्टली जो लोग जो हैं वो ISBT से ही जाते हैं, क्योंकि मैं तो अपने रेजिडेंशियल एरिया से घर से आया हूँ। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ये सारा का सारा ये जो है ये है अर्बन स्टेट, यहाँ पर बहुत बाढ़ आई थी, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। और तो मैं यही कह रहा था कि मैं आपको ISBT से बताऊँगा कि हमने देवीगढ़ कैसे जाना है। यहाँ से बसेस जो हैं लोकल जाती हैं, और घर से जो था वो मेरे था 27 किलोमीटर, और ये जो ISBT से है वहाँ से है 24 किलोमीटर, क्योंकि 3 किलोमीटर 3 से 4 किलोमीटर जो है
मेरे घर से जो है ये ISBT है। मौसम मैंने जैसे कि बताया बहुत ज़बरदस्त खुला हुआ है आज। पीछे पंजाब में बहुत ठंड पड़ रही थी तो मैंने कहा चलिए आज एक मोटो व्लॉग ही कराते हैं, मौसम भी शानदार है और GoPro में सीन भी अच्छे कैप्चर हो जाएंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो देख रहे हैं ये है अर्बन फेस 2 अर्बन स्टेट। ये सामने जो है पार्क हॉस्पिटल है, पार्क हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने जो है न्यू ISBT है और हम लोगों ने जाना है सीधा, ये राइट लाइट से हमने सीधा जाना है और यहाँ से ये जो सीधा रोड जो है वो जाता है सीधा के सीधा जो आप ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर से ये बिल्कुल सीधा बाईपास हो जाते हैं संगरूर के लिए। तो अभी हमें जो है पहले सीधा जाना है, संगरूर वाली रोड को पकड़ना है, संगरूर से जो है आगे, संगरूर वाली रोड से जो आगे जो है वो निकलेगा देवीगढ़ के लिए। और यहाँ से जो है मैं बता चुका हूँ जो बसेज हैं आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगी देवीगढ़ के लिए और आपको बसेज मिल जाएंगी ऑल ओवर पंजाब के लिए ISBT। नीचे लिंक दिया हुआ है, बार बार बता रहा हूँ। और यहाँ से जो है बरनाला जो है वो है 107 किलोमीटर। तो ये संगरूर बरनाला बठिंडा बाई रोड और ऊपर जो ये फ्लाईओवर है ये बाईपास है। आप राजपुरा से आते हैं, राजपुरा से सीधा आप ऐसे सीधा निकल जाते हैं बाईपास, बिना पटियाले के बिना बाईपास होते हुए सीधा बठिंडा या संगरूर जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं। हाईवे जो है बड़ा शानदार बन गया है जी, ज़बरदस्त हाईवे। देखिए कैसे फटफड़ाती हुई गाड़ियां जा रही हैं, फर्ल से जा रही हैं, फर्ल से। तो आप ही थोड़ा सा मोटर व्लॉग जो पंजाबी में करूंगा मैं, जो लोग पंजाब से हैं या जो पंजाब के थे और जो बाहर सेटल हो गए हैं तो मैं उन सारे प्रावनु करना जी। वाहिगुरु जी सत श्री अकाल जी, की हाल चाल जी, मैं ठीक हाँ, तुसी भी ठीक होंगे। ऐ वेख लो जी पंजाब पटियाला। और जरूर मैं तो नीचे कमेंट करके दसना जेड़े लोग भी पंजाब तो हैं या पंजाब तो बाहरों वेख रहे हैं, कमेंट करें कि वो कौन से एरिया से हैं और केड़े एरिया तो वेख रहे हैं। और कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि ये एरिया कौन सा है, जरूर बताएं मेरे को। ये हाईवे है और लेफ्ट हैंड साइड पे केड़ा पेंड है जरूर दसा। ये पटियाला के अंदर ही आता है केड़ा पिंड है। खेत देख लो जी पंजाब दे लहलांदे हुए खेत। जो लोग भी खेत को मिस कर रहे हैं, पंजाब को मिस कर रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताएं मेरे को। और शाने पंजाब, वाह बस जा रही है जी PRTC। देख लो जी खेत सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड पे, म्यूजिक के साथ देखो जी। बोर्ड पे भी लिखा है संगरूर स्ट्रेट है, समाना भी स्ट्रेट है। समाना के ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर के चैनल पे देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। और मैं बड़े आराम से आज जो है बड़े रिलैक्स होकर के 40-45 की स्पीड पे जो है मैं एंटॉक चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये रहा। क्योंकि मैंने कहा चलो आज आराम से आप लोगों को दिखाया जाए सारा का सारा पंजाब। पीछे इस तरफ पेड़ों के इधर खेत हैं और पिंड भी है, लोगों ने कोठियां बना रखी हैं जी, कोठियां शानदार। यहां से जो है लेफ्ट टर्न करेंगे देवीगढ़ के लिए जी, और अगर आप राइट पे चले जाएंगे इस फ्लाईओवर से नीचे से तो दोबारा पटियाला शहर की तरफ भी जा सकते हैं। और इधर से राइट हैंड साइड से अगर आप यू टर्न ले लें तब भी आप पटियाला जा सकते हैं, सीधा चले जाएंगे हम लोग संगरूर। अभी हम लोग हो गए देवीगढ़ की तरफ, यहाँ से लेफ्ट टर्न करना है जी हमने देवीगढ़ यहाँ से जी। ये
देवीगढ़ लेफ्ट है, राइट पे आ जाएगा आपका पटियाला सिटी, और संगरूर आएगा आपका बिल्कुल फिर से सीधा। तो हम लोग लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे देवीगढ़ की तरफ। यहाँ से कैथल जो है वो है 66, पेवा जो है 43 है, चीका 33 है, और दिल्ली के लिए भी ये रोड जाता है यहाँ से, दिल्ली पूरा 224 किलोमीटर। ये जो है सिंगल लेन है, यहाँ से थोड़ा गाड़ी को जो है बड़े आप बड़े आराम से चलाएं। ये आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, ये है जी कोई एडवेंचर पार्क, फन वर्ल्ड है जी, ये एडवेंचर पार्क है, आपको अंदर से एक बार दिखा देता हूँ। ये बीच में आया है जी, फन वर्ल्ड एडवेंचर पार्क, पता नहीं मुझे ये खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ, मैंने कहा चलो आपको एक बार दिखा दूँ अपने मोटर ब्लॉग पर। तो टिकट्स का भी पता करके बता देते हैं आपको, ये खुला हुआ है, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी ये खुला नहीं हुआ। ये फन वर्ल्ड से जो है मैं बाहर आ गया हूँ, आप जैसे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी अच्छा बना हुआ है, राइड्स वगैरह वो कहते हैं अभी बंद है ये, तो मैंने ज़्यादा पूछा नहीं कि गर्मियों में खुलता है क्या है पता नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताएं, जो लोग यहाँ रहते हैं इस फन वर्ल्ड के आसपास वो मुझे बताएं कमेंट करके कि ये कब खुलता है, तो आ जाएंगे हम अभी अपने बच्चों के साथ फन वर्ल्ड में मज़े करने, आपको भी करा देंगे, ब्लॉग बना देंगे इसके ऊपर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कब खुलता है। और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिएगा खेत लहलाते हुए स्टार्ट हो गए हैं, और यही है जी पंजाब का मज़े। जो लोग इस तरफ से वीडियो देख रहे हैं जिनका ये वाला पिंड है जो गांव है वो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लिखें कि ये कौन सा गांव है, ये फन वर्ल्ड कहाँ था। वैसे तो जगतपुरा गाँव है आई थिंक ये, फिर भी आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, क्योंकि मेरे को यहाँ के गांव के बारे में इतना मालूम नहीं है, लेकिन मैं बोर्ड पढ़ा है तो मैंने आपको बता दिया, जो राइट हैंड साइड में जो गांव है जो पिंड है वो जगतपुरा है। ये सब डिस्ट्रिक्ट पटियाला है जी जगतपुरा का। और जब ये बाढ़ आई थी, आप मुझे नीचे कमेंट में बताना अगर मैं गलत बता रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करना, जब बाढ़ आई थी तो मैंने सुना था कि इस वाले रोड के ऊपर ही पानी आ गया था, तो आप मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, तो बाढ़ बहुत थी जी पटियाला के आसपास के, पंजाब में ही पूरे हरियाणा में पंजाब में बहुत बाढ़ थी। ये देख लीजिए जी खेत, मज़ा आ जाता है जी खेतों के आसपास राइड करके, मज़ा आ जाता है। मैं जब भी खेतों के आसपास राइड करता हूँ ना, मेरे को हमेशा अपने पंजाब के खेत याद आ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने भी अपने गाँव के ऊपर पिंड के ऊपर वीडियो बना रखी है, तो मुझे अपने खेत याद आ जाते हैं। जो लोग मेरे से अभी चैनल में नए जुड़े हैं तो मैं उनको बता देता हूँ, संगरूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मंडवी पिंड है जी हमारा, वहाँ पर है जी हमारे खेत। अगर आप नीचे कमेंट करेंगे एक बार फिर दिखा देंगे सबको। और यहाँ से अब जो देवीगढ़ रह गया है वो रह गया है 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर, और घर से मैं 12 किलोमीटर आ गया हूँ, मैंने आपको बताया ना 27 या 28 है, तो 27 किलोमीटर ही है। और रोड भी बड़ी कितना सीनिक व्यू है, और रोड भी जो है बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है, काफ़ी अच्छी रोड है जी ये, है सिंगल है लेकिन बढ़िया है, शानदार है। और लेफ्ट हैंड साइड पे ये खेत, और ये देखे पेड़ों का कितनी अच्छी सिमेट्री दिख रही है, देखो वाह मज़ा आ गया जी, बिल्कुल सीनिक व्यू है जी आज, ऐसा लग रहा है मैं पहाड़ों में कहीं जा रहा हूँ, हालांकि पहाड़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन सामने ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ आने वाले हैं। ये गुरुद्वारा साहब आ गए हैं जी, बोले सोनिया सत श्री अकाल, आप मुझे बताना ये कौन सा पिंड है कौन सा गांव है। जो लोग इस पिंड से देख रहे हैं इस वीडियो को वो नीचे मुझे कमेंट जरूर करें ये कौन सा पिंड है। देवीगढ़ से पहले वाला है ये रोड कह लो, देवीगढ़ से पहले वाला पिंड है, मैं गलत बोल गया, रोड तो वही है देवीगढ़ वाला।
पिंड कौन सा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। देखिएगा जी कितने सुंदर लग रहे हैं पेड़ देखो। और यहाँ से राइट हैंड साइड पे राधा स्वामी सत्संग व्या पूना या पुनिया उसका सेंटर है जी ये बाबा जी का। पुनिया पूना मुझे पता नहीं, मैं पढ़ नहीं पाया ठीक से, आप मुझे बता दीजिए। आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके ये कौन सा गांव है कौन सा पिंड है। आज मैं सारे सवाल आप लोगों से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ पटियाला से देवीगढ़ के लिए, इसलिए मुझे मालूम नहीं है ये कौन सी जगह है ये, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। और ये देखिए पटियाला बस जा रही है, पेहवा से आ रही है पटियाला जा रही है। कमेंट में ज़रूर बताएं एक कौन सी जगह है ये। अभी मैं देख के वैसे देखता हूँ, पढ़ के बताता हूँ। ट्रक वाला पीछे इतना हॉर्न बजा रहा है, इतनी साइड दे रखी है मैंने, इतना धीरे चल रहा हूँ भाई साहब, हॉर्न बजा रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहे। निकलो निकलो बाजी, तुसी निकलो। ये देखो सुनो, ये पिछले 5 मिनट से तंग कर रहा है मेरे को। टी 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 टी, मैं इतना धीरे चल रहा हूँ, आप देखो मैं 36 की स्पीड पे चल रहा हूँ, मैं साइड पे चल रहा हूँ फिर भी टी 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 निकाल ले भाई। ये देखिए जी लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे मंकीज हैं, लोग जो इनको खाना डाल के जा रहे हैं। ये देखिएगा कितने सारे मंकीज थे, बंदर सी बंदर पंजाबी विच। आगे भी आ रहे हैं देखो आप लोग जो है अपनी गाड़ी में से खाना डालते तो भागते हैं कार के पीछे। ये रे ये भाग रहे हैं और डर लग रहा है कि नीचे ना आ जाए, भूखे हैं। मैंने आपको बताया था ना सारा फॉरेस्ट एरिया है, ये बहुत सारे मंकीज हैं, ये सारा फॉरेस्ट एरिया है आप देखेंगे, और ये बहुत सारे मंकीज हैं यहाँ पे। सड़क के ऊपर ही आ रहे हैं कार के तो बिल्कुल, ये देखो कैसे भागते हैं, ये डर लगता है, लोग डालते हैं ना इनको खाना तो ये भागते हुए आ रहे हैं। देखिए इस तरफ भी हैं, राइट और लेफ्ट दोनों साइड हैं, और देखो कैसे भाग रहे हैं, डर लग रहा है किसी चीज़ के नीचे ही ना आ जाए। मंकी से जय पीर बाबे दी जय हो जी। बहुत सीनिक व्यू है जी, बहुत ज़बरदस्त पेड़ है जी सड़क के ऊपर। और आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, देवीगढ़ जो है आने वाला, और अभी तक मुझे पटियाला से लेके देवीगढ़ तक कोई भी टोल नहीं मिला। कई लोग पूछना चाहते हैं कि बाई रोड अगर आ रहे हैं कितने का टोल है। वैसे तो बाइक और स्कूटी के लिए टोल जो है इंडिया में मोस्टली फ्री है, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई टोल प्लाजा नहीं मिला, जो कि कारों के या ट्रकों के लिए भी ले रहा हो, तो आई थिंक ये जो है ये टोल रोड नहीं है। लेकिन रोड बहुत शानदार थी, कोई ऐसा नहीं है कि रोड पे बहुत ज़्यादा बम्प्स वगैरह, पर अब थोड़े थोड़े पैचेस जो हैं वो ख़राब मिल रहे हैं। बाकी पूरी ओवरऑल पटियाला से लेके यहाँ तक जो रोड जो थी वो ज़बरदस्ती है जी, और व्यू तो एक नंबर है जी। अपने घर से खाना बना के आओ, गाड़ी पे बैठो बच्चों के साथ, और आकर के खाना खाओ यहाँ बैठ के चटाई बिछा के आराम से, और मज़ा लो बिल्कुल पेड़ों का, प्रकृति का, खेतों का। भाई खेत तो भूल गया यार, खेतों का भी, खेत के नाम पे लाइक मारते सब लोग नीचे, और सब्सक्राइब करते जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।
तो ये जी मैं पहुंच चुका हूं जी देवीगढ़। तो होप करता हूं आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के ऑप्शन पर जा करके टिंग कर दें, तो ऐसी ही वीडियो आती रहेगी और मज़े कराते जाएंगे आपको। तो ये है जी देवीगढ़। तो यहाँ का जो है ये वेलकम टू पंजाब का इन्होंने बहुत प्यारा पेट्रोल पंप के अंदर आप देख सकते हैं ये बना रखा है, बहुत ही प्यारा पेट्रोल पंप ढोल नगाड़ों के साथ वेलकम टू पंजाब फर्स्ट RO। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने पेट्रोल पंप जो है वो बनाया हुआ है, मैं आपको अंदर से जाके दिखाता हूँ। तो ये पेट्रोल पंप जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। हालांकि पेट्रोल आपके पीछे देखा था मैं डलवा चुका था, तो मैंने कहा आपको दिखाता हूँ पेट्रोल पंप कितना शानदार बना हुआ है ये वाला पेट्रोल पंप। वाह भाई साहब बढ़िया बना रखा है, पूरा पंजाब की इन्होंने कल्चर दिखाया हुआ है इस पेट्रोल पंप के अंदर। तो ये है जी देवीगढ़, इधर भी एक बनेगा पूरा का पूरा। तो अच्छा पेट्रोल पंप है, काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है इन लोगों ने, पंजाब का कल्चर जो है इन्होंने पूरा दिखाया हुआ है इन्होंने, तो काफ़ी बढ़िया है। ये आप देख सकते हैं पंजाब के घर में जो पुराने घर होते थे वो यहाँ ऐसे होते थे जी आई अनु, ये जैसे सामने आप देख रहे हैं, और पूरा कल्चर दिखाया है। काफ़ी अच्छा पेट्रोल पंप है, मैंने पंजाब में पहला पेट्रोल पंप ऐसा देखा है। चलिए जी चलते हैं, ये है जी देवीगढ़।